हाय हाय। पहला आपका नाम बताइए सर। प्रफुल्ल। पूरा नाम? प्रफुल्ल कोकरे। कोकरे प्रफुल्ल जी, और आपकी एज बता दीजिए। एज कितनी? 32 एज है। 32। आपको हमारा रेफरेंस कैसे मिला था? मेरा बड़ा भाई सचिन। अच्छा, आपके भाई है? हाँ, मतलब फ्रेंड है सचिन बड़ा। जी जी है, उसने बताया। उन्होंने बताया था, और वो भी हमारे पास ट्रीटमेंट लेके गए थे। ठीक है, और ऑब्वियसली ब्रदर ने सजेस्ट किया तो कोई अच्छी जगह पे ही सजेस्ट करेंगे। और आप को प्रॉब्लम क्या हो रही थी, कब से हो रही थी, और उसमें की वजह से क्या नहीं कर पा रहे थे? मेरा नेक का इशू हो रहा था जी। नेक डाउन करता था तो पेन होता था इधर ऐसा। नेक लेफ्ट में घुमा रहा था तभी पेन होता था जी। हाथ पे हाथ ऐसा रखता था तभी पेन होता था इसलिए। और ये कब से हो रहा था आपको? 2 वीक्स। 2 वीक्स हाँ। सडनली शुरू हो गया था कोई एक्सीडेंट या कुछ ऐसा इंजरी? ऐसा कुछ भी नहीं था? नहीं नहीं, मतलब अचानक सोते सोते हो गया। तो मुझे भी यही लग रहा है कि आपको जो सोने की जो पता है ना कि आप लेफ्ट में सोते हैं नेक डाउन करके विदाउट पिल्लू या ज़्यादा नेक डाउन होने, उसकी वजह से। तो जिसमें ने बताया है आपको अभी लेफ्ट की जगह पर राइट को सोना शुरू करिए, कि एक तब सोने से, और आपका चेस्ट ब्रॉड है, हैवी बॉडी होने की वजह से जिम करते तो नेक हमेशा डाउन रहने की वजह से भी मसल्स पे इफेक्ट पड़ता है। और वो आपको जिम करने में प्रॉब्लम कर रहा था, मतलब आपको हर चीज में प्रॉब्लम कर रही थी, पेन जो हो रहा था? जैसा पेन चालू हुआ तो जिम छोड़ दिया मैंने। जिम छोड़ दिया। तो अभी जब डिफरेंट आफ्टर, जब हमारे आपको हमने 5 सेशन रिकमेंड किए थे, पहले तो 3 बोले थे, बट हमें लगा कि आपको 2 सेशन और मोर जरूरत लगती है हमें। कि आज अगर मैं पूछूं पहले जो प्रॉब्लम लेके आए फर्स्ट डे से आज लास्ट डे, 100 में 0 में से कितना परसेंट बेटर फील कर रहे हैं? 0 में से 9%। 0 और 100 में से? 90%। मतलब जनरली आपको लगता है 90% मेरे हिसाब से। हाँ, वो तो है, क्योंकि अभी हैबिट, हैबिट्स जो प्रॉब्लम है आपकी, और क्रैकिंग नहीं करनी है खुद आप, अपने आप से क्रैकिंग नहीं करनी है। विदाउट पिल्लू रख के सोने की कोशिश करी है। करवट लेते टाइम आप पिल्लू हैवी ना लीजिए और ज़्यादा लो भी ना, कि एकदम स्टेबल हो बॉडी के साथ में। मतलब ओवरऑल अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो बिफोर एंड आफ्टर में आपको मतलब बेटर लग रहा है और हैप्पी भी है इस ट्रीटमेंट से। और इसका कोई साइड इफेक्ट किसी से जब से ट्रीटमेंट शुरू हुआ आपको कोई इसका एक्स्ट्रा पेन आया आपको किसी तरीके का, या कुछ भी मतलब आपको फील हुआ कि ट्रीटमेंट के बाद कोई पेन हो रहा है आपको, कुछ भी ऐसे? कुछ भी। क्योंकि बहुत सारे आपके जैसे यंग बॉयज हो गए जो वीडियोज देखते हैं, उन्हें हम सजेस्ट कर सकते हैं आपके भी ट्रीटमेंट की तरफ करने के बाद आपको कोई ज़्यादा पेन या कोई उसका साइड इफेक्ट आप बता सकते हैं? कुछ नहीं, पूरा बॉडी रिलीफ है। हाँ, बेस्ट अच्छा है सबसे। हाँ, नेक भी ओके हो गया। ठीक है, हैंड भी सब ठीक है। मतलब मेन था कि जिम करना चाहिए, पेन भी हो रहा था। हाँ, वो भी पेन कम हो गया। अच्छा, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सारा जो पेन था वो काफ़ी कम हो गया, 10%। वैसे भी हम नेक्स्ट मंथ आपको बुलाया है एक फॉलोअप के लिए, तो एक जो हमारी हैबिटिस पे अगर फोकस करते हैं तो मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर 10% है वो भी चला जाएगा सारी चीज़ें, है ना। और वैसे भी 1 महीने के बाद बुलाया आपको, तो हमारा स्टाफ, हमारा ट्रीटमेंट, किसी चीज़ में आपको कमी लगी या किसी तरह आपको प्रॉब्लम लगी किसी तरह की, मतलब एकदम कोई प्रॉब्लम किसी स्टाफ को लेके आपको? सब ठीक ठाक? ठीक ठीक है। थैंक यू सो मच प्रफुल्ल जी। थैंक यू। नेक्स्ट मंथ मिलते हैं, बस यही रखना, ध्यान रखना है। और आई आप, और आपके रेफरेंस भी आने शुरू हो गए, अभी तो अब दो आ चुके हैं और भी आएंगे आई थिंक। ठीक है, थैंक यू सो मच।